सरद एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और रायपुर में राम की राजनीति पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का विवादित बयान सामने आया, इस वक्त की खबर आपको बता दें। जब भाजपा के राम और हमारे राम में अंतर है, ऐसा कहना है हमारे राम शबरी निषाद वनवासी के राम, भाजपा के राम मोबलिन सिंह चंदा बटोरने के राम। तो इस वक्त की बड़ी आपको खबर बता रहे हैं, राम मंदिर राम पर मंत्री रविंद्र चौबे का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें हमारे राम शबरी निषाद वनवासी के राम है, ऐसा कहना है उनका। भाजपा के राम जो है मोबलिन सिंह के राम है, चंदा बटोरने के काम करते हैं। रामलीला महोत्सव के पहले मंत्री का विवादित ये बयान सामने आया है। तो खबर आपको बता दें, विवादित बयान यहां पर दिया गया है राजनीति पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का। यह बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है भाजपा के राम और हमारे राम में बहुत अंतर है, हमारे राम शबरी निषाद वनवासी के राम है, भाजपा के राम मोबलिन सिंह के राम है, चंदा बटोरने के राम है। रामलीला महोत्सव के पहले मंत्री का यह विवादित बयान सामने आया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत भाई से जुड़ चुके हैं। हेमंत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का विवादित बयान आया है और क्या क्या उन्होंने कहा है? देखिए, अभी रामलीला का आयोजन 3 दिनों का कांग्रेस की जो सरकार है वो करने जा रही है, आज से उसकी शुरुआत होगी। और इसी मुद्दे में जब रविंद चौबे से सवाल पूछा गया कि भाजपा आप पर ये आरोप लगाए रही है कि रामलीला के बहाने कांग्रेस वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसी पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राम और भाजपा के राम में बहुत अंतर है। कांग्रेस के राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वनवासियों के राम है, सबरी के राम है, लेकिन जो भाजपा के राम है वो मॉबलिंचिंग के राम है, वो धंधा के राम है, वो राजनीति के राम है। तो इस तरीके से उन्होंने जो मॉबलिंचिंग शब्द का उपयोग किया है, कहीं ना कहीं इससे अब विवाद बढ़ सकता है। तो सीधे तौर पर राम को मॉबलिंचिंग से जोड़ा गया है और इसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन एक विवादित बयान यहाँ पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया है। हेमंत जी, वहां पर चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे, वहां पर उपचुनाव तो हो गए, पहले तो ये बयान दिया नहीं, अब बयान दिया गया, क्या लगता है लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात यहां पर उन्होंने कह दी है मंत्री जी ने। देखिए, निश्चित तौर पर तो बहुत बड़ा बयान रविंद चौबे का है, क्योंकि अभी तक के इस मामले में इतना बड़ा बयान छत्तीसगढ़ में नहीं आया था। हालांकि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने ये भी कहा था कि जो भाजपा है वो सिर्फ राम के नाम पर दिखावा करती है, सबसे ज्यादा जो राम का मंदिर है वो कांग्रेस के लोगों के घरों में है, तो ये तमाम चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन आज जो बयान रविंद चौबे ने दिया है, निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो अब गरमाएगी। वाकई यहाँ पर हेमंत, सियासत जो है गरमाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में झाबुआ चुनाव भी है, वहां पर भी देखा जाए तो मंत्री इन्हीं की पार्टी के हैं और बीजेपी के भी पार्टी के भी काफी सारे वहां पर लोग हैं, तो सियासत गरमाना वाकई गरमा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राम पर मंत्री रविंद्र चौबे का विवादित बयान सामने आया है। भाजपा के राम और हमारे राम में अंतर है, ऐसा मंत्री जी का कहना है। हमारे राम शबरी निषाद वनवासी के राम है, भाजपा के राम मोबलिन सिंह के राम है। आपको बता दें, रायपुर में आज से 3 दिवसीय रामलीला महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 4 से 6 अक्टूबर तक राजधानी के शहीद स्मारक भवन में इसका आयोजन किया गया है। पहले दिन छत्तीसगढ़ के संत कवि पवन दीवान की रचना कौशल्या के राम पर आधारित रचना का मंथन किया जाएगा। मथुरा और छत्तीसगढ़ के कलाकार मिलकर इसकी प्रस्तुति देंगे। तो आपको बता दें, यहाँ पर 3 दिवसीय ये रामलीला महोत्सव, यहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी दौरान मंत्री जी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बीजेपी के राम अलग हैं और हमारे राम अलग हैं, दोनों के राम में बहुत अंतर है।
तस्वीरें इस वक्त आपको सीधे रायपुर से दिखा रहे हैं। मथुरा और छत्तीसगढ़ के कलाकार यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे, जहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। वहीं इसी पर मंत्री जी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और हमारे राम जी में बहुत अंतर है। साथ ही कहा हमारे राम जो शबरी निषाद हैं, वनवासी राम है, भाजपा के राम मॉब लिंचिंग वाले राम हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ आज से हुआ है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उसी दौरान मंत्री जी ने यहां पर बयान दिया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत भासा जुड़ चुके हैं। हेमंत, हम देखें 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया है और पहले दिन ही ऐसी बातें, उटपटांग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि कितनी सियासत इससे गरमा सकती है? देखिए ऋतु, कौशल्या के राम के नाम से जो रामलीला का मंचन है वो आज से शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और शहर की जो शहीद स्मारक भवन है वो आज से इसका शुभारंभ होते हुए 3 दिनों तक पूरा जो रामलीला का मंचन है वो चलेगा। लेकिन इससे पहले ही जो सियासत है वो छत्तीसगढ़ में अब गरमाई नजर आ रही है, क्योंकि राम के नाम मामले को लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री हैं रविन्द्र चौबे, उन्होंने बड़ा बयान और एक तरीके से देखा जाए तो विवादास्पद बयान दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राम और भाजपा के राम में फर्क है। कांग्रेस के नाम सबरी के राम है, कांग्रेस के नाम वनवासियों के राम है, कांग्रेस के राम निषाद राज के राम है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भाजपा के राम है वो मॉब लिंचिंग के राम है, चंदा बटोरने के राम है और राजनीति करने के नाम है। एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है और सीधे तौर पर राम, भगवान राम को मॉब लिंचिंग से जोड़ने की कोशिश उन्होंने आगे जाकर कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गरमाई नजर आएगी। हालांकि इससे कुछ दिन पहले जो यहाँ के गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उन्होंने भी ये कहा था कि सबसे ज्यादा जो राम के मंदिर है वो कांग्रेस के लोगों के घरों में है, मंदिर कम जाती है, कांग्रेस के लोग ज्यादा जाते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए राम नाम का उपयोग जो है वो भाजपा करती है। गृहमंत्री यहाँ पर अभी एक ही दिन गुजरा था, गांधी जयंती के दिन इतने विवादित बयान दिए गोडसे को लेकर और गांधी जी को लेकर, सियासत गरमाई थी, एक दिन ही हुआ और इस तरह से फिर राम पर ऐसे विवादित बयान दे रहे, तो क्या लगता है यहाँ पर बस विवादित बयान ही देते रहेंगी क्या पार्टी, यहाँ काम पर भी ध्यान देंगी? देखिए गंभीर सवाल है, तो क्योंकि जब 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया वो गांधी जी के विचारों पे चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन सदन के अंदर क्या हुआ ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। वहाँ पर गांधी जी पर चर्चा की थी, लेकिन वहाँ पर गोडसे पे चर्चा की गई, वहाँ पर वीर सावरकर पर चर्चा की गई और वहाँ पर कहीं भी जो केंद्रित है वो गांधी जी पर नहीं रहा। इसी के चलते देखा जाए तो कमान जो पक्ष और विपक्ष है वो आपस में जूझते भी नजर आए, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो विवादित बयान है वो खुल कर आने लगे हैं। इस तरीके से जो दो विचारधारा, मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, तो विचारधारा की साफ तौर पर इसमें लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी सदन में कहा था कि वीर सावरकर ने क्या किया पूरी देश की जनता जानती है, गांधी जी को कैसे उन्होंने धोखा दिया पूरी देश की जनता जानती है, और इसके अलावा कई गंभीर आरोप लगाए थे। और हालांकि बीजेपी ने भी वहां पर कटाक्ष किया था, लेकिन एक दिन बीते नहीं थे कि गांधी और गोडसे पर विवाद थमा नहीं था, दूसरे दिन राम की को लेकर राजनीति शुरू हो गई। इतना जो बड़ा बयान है वो पहले छत्तीसगढ़ में नहीं आया था जिस प्रकार से रविन्द्र चौबे ने दिया है, तो आगे हालांकि बीजेपी की प्रतिक्रिया इसमें सामने नहीं आई है, लेकिन ये अंदाजा उम्मीद लगाया जा रहा है कि बीजेपी निश्चित तौर पर इसमें उन पर पलटवार करेगी। वाकई, क्योंकि पहला ही दिन था और महोत्सव की देखे तो हम आज ही शुरुआत की और इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्मा सकती है यहाँ पर सियासत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज